સમગ્ર ગુજરાતમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે ત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા કાર્યકરો સાથે બેઠક યોજવાનો ધમધમાટ શરૂ કરી દેવામાં આવે છે। ચૂંટણી લડવા ઈચ્છતા કાર્યકરો પાસે સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે ત્યારે પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રભારી રાજીવ સાતવ અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાએ અરવલ્લીના મોડાસા ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા। કાર્યકરો અને આગેવાનો કરશે રજૂઆતો। સાંભળી હતી નગરપાલિકા તાલુકા અને જિલ્લા સ્થાનિક પ્રશ્નોની રજૂઆત સાંભળી હતી। સ્થાનિક પ્રશ્નોના આધારે સ્થાનિક ચૂંટણી લડવાની રણનીતિને અપનાવાશે। જયદીપ ભાટિયા, ZS TV, અરવલ્લી। उसके बारे में सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने देखा होगा कि पिछले 12-13 दिन से जिस प्रकार से ये खेडूतों का आंदोलन चालू है, हमने लोकसभा में राज्यसभा में जब ये बिल आया था तब हमने सरकार से विनती की थी कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ भेजिए, सिलेक्ट कमेटी की तरफ भेजिए, तब सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया नहीं। जब हमने ये बात को रेज किया तो हम लोगों को सस्पेंड भी सरकार द्वारा किया गया था और हम एक दिन तक पार्लियामेंट में गांधी जी के पुतले के पास अनशन करते हुए वहाँ पर आंदोलन करते हुए बैठे थे। उसके बाद भी सरकार के ये समझ में नहीं आया। अब देश का किसान, खासतौर से पंजाब और हरियाणा और आसपास के राज्यों से किसान अब दिल्ली की बॉर्डर पर आकर बैठा है। जिस प्रकार से आंदोलन की बात किसान भाइयों ने की है, ये बड़ा आंदोलन आने वाले समय में होने वाला है। अभी भी हमारी सरकार से ये कहना है कि जो लोकसभा राज्यसभा में आपने माना नहीं, अभी भी आप मान जाइए और ये तीनों जो कानून आपने पास किए हैं, जो किसान विरोधी कानून है, उसको वापस